नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिवपुरी कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। विद्युत विभाग व पीएचई विभाग में जो भी अधिकारी व कर्मचारी छुट्टी पर हैं, उन सभी की इस भीषण गर्मी में 15 जुलाई तक छुट्टी रद्द करने के लिए कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया और कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। बीते सोमवार को जिला अंतर्गत करेली थाने के पास बासादेही गांव के घर के पास से खेलते समय गुम हुई नाबालिग बच्ची को लेकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी का जिस रास्ते से जाने का सुराग मिला, उस रास्ते की होटल व ढाबों के कैमरों में जिसमें वह रुका, तस्वीर खंगालने और पहचाने जाने के बाद पूछताछ करने पर आरोपी ग्राम देवरी जिला सागर का रहने वाला बताया गया। एक महिला के पास आरोपी स्वयं की बच्ची बताकर बाद में ले जाने की बात कहकर भाग गया, जहां से पुलिस ने बच्ची को सकुशल दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की एवं लगातार टीमों द्वारा आरोपी की तलाश कर ग्राम देवरी से ही गिरफ्तार कर अभिरक्षा में ले लिया। नरसिंहपुर से आकाश कौरव की रिपोर्ट। उस ढाबे में जो पूछताछ की गई लोगों द्वारा और इनके घर के आसपास जो टपरी वाले थे उनसे पूछताछ की गई, जिससे हमें इनका आने का और जाने का ट्रैक पता लगा। हमारी मेन कोशिश ये रही कि जो बच्ची है वो कहाँ से इसके साथ इसको मिली, उसके बाद ये कहाँ गया और ये यहाँ पर कैसे आया। इस एंगल पर हमने वर्कआउट किया और काफ़ी लोगों से पूछताछ की। उस पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि आरोपी जो है वो कासा क्रास मिलाकर रहने वाला हो सकता है। इसके लिए हमने रात में ये विशेष टीम बनाकर सागर तलब, रायसेन तलब, आसपास जो पूरा इलाका है वहाँ टीमें रवाना की और इसी क्रम में हमें ये सफलता जो है ग्राम कासा खेड़ा में कहाँ मिली सर। ग्राम कासा खेड़ा में किसके पास थी, कहाँ रह रही है? ये वहाँ एक महिला है पटेल करके, महिला है उसके पास ये इसको छोड़ कर गया। ये बोल रोने वाली बात, ये हमें एक तो जगह से पता लगी है कि यहाँ रोई की जरूरत जरूर हुआ है कि रोई है और घास भी हुई है, पर चूँकि बच्ची अभी बहुत छोटी है उसकी जब तक मंडलाधिकारी द्वारा और हम डिटेल में उनसे बातचीत नहीं करेंगे तब तक हमें पूरी घटना का मालूम, पर वो चीज़ जरूर हुई है कि लड़की जो थी वो परेशान हुई है और उसने लोड करने की भी कोशिश की। कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, पूरे मामले को कैसे खोला? पूरे मामले की जैसे ही ये घटना हमें पता लगी तो इसमें विशेष टीमें बनाई गई। विशेष टीमें एक टीम जो सिर्फ साइबर संबंधी वर्कआउट कर रही थी, एक टीम घटनास्थल के आसपास सर्चिंग कर रही थी, इसमें करीब 100 का पुलिस पर जमा रखा घटना के आसपास सर्च करने के लिए। इसके अलावा विशेष टीम बनाई गई जो यहाँ से लेकर आसपास के जिले जो ट्रैक जाते हैं हमारे वहाँ पूछताछ करने के लिए भी, जो अगर यही वहाँ कोई आसपास था तो कहाँ लेकर गया। इस क्रम में हमें पहले ही जो सफलता मिली वो ढाबे पर मिली और ढाबे के कैमरे में मिली। आरोपी जो है वो उसने वही कपड़े पहने हैं जो ढाबे की हमारी फुटेज में है। चीज़ से हम बात कर रहे हैं, महिला अधिकारी से हम बात कर रहे हैं। बच्ची ने अभी ये बताया है कि उसको वहाँ आसपास खेतों में, वहीं ग्राम कासाखेड़ा के आसपास खेतों में जो आरोपी है वो लेकर गया। रात में एक कपड़े में सोई वो परसों रात हुई और कल रात में उसको वहीं पर इसने खाना खिलाया। बाकी भी विवेचना अभी से जाए। अनियंत्रित होकर बुलेरो पलटी। हादसे में बुलेरो सवार 9 लोग घायल, गंभीर हालत में ले जाया गया सीकरी अस्पताल। हादसे में बुलेरो हुई चकनाचूर, तेज गति में टायर फटने से हुआ हादसा, कस्बा गोपालगढ़ के पास की घटना। आमिर खान की रिपोर्ट कामा से। और आप हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।